अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग? आज तो मैं आपको एक ज़बरदस्त रैप सुनाता हूँ जो कोरोना के ऊपर है। और मेरे दोस्त हैं अली रज़ा, पुलिस में होते हैं और कमाल के शख्स हैं। उनके साहबजादे नबील ने ये रैप बनाया है, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, ठीक है जी? बिल्कुल, स्टे एट होम तो बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे ने भी आपको मैसेज दे दिया, कितना ज़बरदस्त इसने ये रैप किया है। मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ बगैर अब फ्लूट के। से कुछ भी नहीं होगा रोने से, रहेंगे सब सेफ अपने हाथों को हम धोने से, रखो सबसे फासला हो ना जाए कोई अब हादसा, कि दूरी है कबूल किसी अपने को खोने से, क्लोना घर से बाहर रहो घर वालों के साथ, कुछ टाइम की तो बात है, कुछ भी नहीं होगा यार, खुदा को करो याद गुनागार, तो फिर हम भी हैं मानते नहीं बात, सलूट उन हीरोज जो घरों के लिए अपने घर वालों से है दूर, सोचो जरा तुम भी करो थोड़ा सा हो जाए इसके, कि मम्मी में घर पे हो रहा बोर, हाँ लगाओ मास्क मुंह पे सैनिटाइजर हाथ पे, घर जाना हो बाहर तुम्हें किसी जरूरी काम से, हजारों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में, पछताना नहीं फिर बाद में, फिर बात मेरी सुन के निकल रहे दूसरे कान से, स्टे एट होम सेव लाइव्स। वेल डन नबील, जबरदस्त। आपके अब्बा भी कमाल के शख्स और आपने भी तो कमाल कर दिया है यार। और अभी एक शख्स उस कमरे में है, उसको भी मैं इधर बुलाऊंगा। हमायूं साहब आ जाए, आ जाए यार, इतने सारे लोग आपको ढूंढ रहे हैं यार, आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओएस साइमा जी, हाय इज अमारा, और कौन है, आसमा खान एंड सदफ। मुझे तो ये इतना ज़बरदस्त रैप लगा है कि यार मैं तो इसको कहूँगा कि और बनाए और हमको मिले, ताकि आप तक और ये पहुँचाए ये चीज़ें। तो आप लोग क्या कर रहे हैं आज? भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि एक मैंने एक मैसेज देना था किसी को, सोशल मैसेज, तो वो उसमें मैं लगा हुआ था, तो वो बस इस हवाले से थोड़ा सा लेट हो गया मैं। और जी जनाब, सगीर साहब, हिरा, खालिद, हमायूं साहब आ गए भाई, हमायूं साहब। कल मैंने इनको बड़ा मिस किया, मगर अपनी बेगम के साथ थे तो बहुत ज़रूरी था वो भी। तो कुर्सी रखो इधर, तुम भी। बेगम मिलने आई थी ना? हाँ, तो मैं कौन से कह रहा हूँ, तुम गए थे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही जा रहे हो, सही है, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? क्या कर दिया रहो यार। यार देखो, लाइट अच्छी हो गई। कैसे हुई? ऐसे ही मैंने एक दो बटन दबाए। ये देखो, ये दबा दिया करो, ये इससे ना एटलीस्ट लाइट आ जाती है, क्योंकि हमारे कमरे में इतनी लाइट नहीं होती। तो अभी देखो, ये काफी बेहतर लग रहे हैं हम लोग। हम हमेशा हम सोचते थे, हम हमसे जो बात करने आता है वो उसके चेहरे पे इतना नूर होता है कि हम इतने बुरे क्यों लग रहे होते हैं, मनुष्य क्यों लग रहे होते हैं? नहीं, मनुष्य नहीं लग रहे होते। तो वही 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 ये जो वही है ना, ये
जबरदस्त चीज है यार खवातीन हजरात क्यों बोल रहे हो उनको तो और क्या कहूँ इसमें कौन है खवातीन भी हैं हजरात भी हैं ये अच्छा कुकिंग कुकिंग क्यों लिखा हुआ है आपकी गर्लफ्रेंड हुमायूं कहाँ है ओ आ गई मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अभी अपने घरों को जाएंगे वापस जो कि बहुत कम दिन रह गए लगता है 2 से 3 दिन में हम घर होंगे इंशाल्लाह तो आधी रात को मेरी नींद में आग खुलेगी और मैं कहूंगा अदनान और बीवी पूछेगी कि क्या और अदनान जब सो रहा होगा तो यकीनन हुमायूं का नाम लेगा चाय पिला दो चाय पीनी हाँ मैं बोलूंगा रात को चाय पिला दो अदनान चाय पीनी है हाँ चाय नहीं मुझे जूस वूस पीना यार क्या पीना चाय अभी पी थी मैंने जूस कौन सा लेना है ऑरेंज जूस पूछो फ्रेश लव फ्रॉम कैलिफोर्निया माहा सिद्दीकी अस्सलाम वालेकुम कैन यू प्ले द फ्लूट भाई वो फ्लूट बजाने का बोल रहे हैं कोई यार अभी मैंने बजाई थी यार इस बच्चे ने यार क्या जबरदस्त रैप गा दिया ये वो एक्चुअली सिमी सिद्दू लव फ्रॉम इंडिया हेलो जी कैसे हैं आप लोग क्या हालात हैं आपके वहां पर हेलो जी अस्सलाम वालेकुम यार ख्याल रखें ऑरेंज जूस फ्रेश मिल जाएगा घर पे रहे हाथ धोते रहे नहीं है ऑरेंज फ्रूट बजाए आई लाइक योर सॉन्ग भाईजान ये गाइस हाँ ऑरेंज नहीं है ऑरेंज जूस ही नहीं है यार ऑरेंज जूस की तो जरूरत है आजकल होटल में क्यों नहीं क्या करूं तो अनार पड़े हुए अनार का तो मौसम खत्म हो गया है हमारे पास तो पड़े हुए 2 अनार कौन से अनार आ गए भाई तुम्हारे पास अच्छे अनार हैं अच्छा अच्छा तो यार एक तो चाय दे दे मुझे इसको बोलो कोई मिल्क शेक वगैरह बना दो मिल्क शेक बना देंगे बनाना मिल्क शेक बना दो उससे एक भी बनाना मिल्क शेक दे दे एक चाय दे दे इम्यूनिटी बेहतर होती है सुना ठीक है जी लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया बड़े अफसोस की बात है सर आपने क्या सवाल किया था डैलस टेक्सस से उज़्मा हाय अलियान तुम इसको दबाओगे तो सही हो जाएगा ये नहीं सही ये लो और लाइट बेहतर हाँ काफी बेहतर हो गई जी तो कहाँ बैठो तो नीचे करो यार गाने भी होंगे मजेदार बातें भी होंगी दोस्तों से भी बातें होंगी और कोई आज मजेदार चीज जो आपने की हो उस हवाले से कोई बात करते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया तुमने जाकर मैंने अभी 3-4 वीडियोस बनाए हैं अभी वो गवर्नमेंट के लिए वीडियो बनाना था कि जो गवर्नमेंट का एहसास प्रोग्राम है आप लोग उसमें डोनेट करें शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने एक हाँ, उसका, है। उसका मैंने भी वीडियो बनाया हाँ, डोनेट करो ना उनकी कैंपेन चल रही है शाहिद अफरीदी की उसमें आप लोग दे सकते हैं और तुमने कर दिया तुमने और एक और कैंपेन चल रही है हम साथ वो कैंपेन चल रही है ARY की तरफ से कहा गया है कि एहसास प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है और उसमें आप लोग डोनेट करें और हम साथ जो है एक कैंपेन है और उसमें वो भी एक प्लेटफॉर्म है आप वहां पे भी अपने डोनेशंस कर सकते हैं हमदर्द में आप डोनेशन कर सकते हैं जो मोमना दुरेद और दुरेद ने निकाला है तो जहां भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जो 3-4-5 जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे जाके जरूर डोनेट करें देखिए हम जो भी कुछ कहें हम पाकिस्तानियों की एक बड़ी बात है कि जब वक्त पड़ता है तो एकदम साथ हो जाते हैं हम चाहे वो हमारी फ्रटर्निटी से हो बाहर से लोग हों हम सब एक साथ हो जाते हैं तुमने किसको नॉमिनेट किया शाहिद अफरीदी के लिए तुम्हें किया है अच्छा और वासे को किया है अहमद भट्ट को किया है एजाज असलम को किया है चलो फाद मुस्तफा को किया है मैं भी कर दूंगा अभी बना भी के कर दो हम हमजा अब्बासी को कर देते हैं कि हमजा अब्बासी जो है वो डोनेट करो ना की कैंपेन में अपना वीडियो जरूर दें अवेयरनेस के लिए मायरा खान महवेश हयात इन सबको करना चाहिए महवेश हयात गायब हैं लेकिन उनको भी हम कहते हैं कि वो भी करें महवेश किधर है महवेश से मेरी बात हुई थी आज कॉल आया था उसका मैसेज आया था अच्छा तो तबीयत पूछ रही थी मैंने कहा हम ठीक हैं तुम वो भी कह रही है मैं भी अंदर बैठी हूँ घर में निकल नहीं रही बिल्कुल सब लोग घर में हैं तो जो भी मैं भी 3-4 लोगों को पकड़ता हूँ और उनको जो बहुत क्यूटेस्ट ओ थैंक यू सो मच
थैंक यू मिश, पता नहीं क्या था। तो आज हमायूं से एक गाना मैं सुनूंगा और तुम जो यार गाना सुनूंगा, तुम बजाओ ना फ्लूट किधर किधर। जिस अंदाज से हमायूं ने मुझे देखा यार, इस बच्चे ने यार कितना जबरदस्त रैप गाई है, वो बिलाल नहीं है भाई, ये किसी और ने गाया। कोरोना पे एक मैं फिर से ये बजाऊंगा, कमाल रैप है यार। हाँ ये बिल्कुल कोरोना के ऊपर है। यस जी, हम अभी भी क्वारंटीन में हैं, तभी हम यहाँ पे होटल में हैं। से कुछ भी नहीं होगा, रोने से रहेंगे सब सेफ, अपने हाथों को हम धोने से, रखो सबसे फास ना होना जाए कोई अब हादसा, ये दूरी है कबूल किसी अपने को खोने से, इकलौना घर से पार रहूं घर वालों के साथ, कुछ टाइम की तो बात है, कुछ भी नहीं होगा यार, खुदा को करो याद गुनाहगार, तो फिर हम भी हैं मानते नहीं बात, सलूट उन हीरोज जो खैरों के लिए अपने घर वालों से है दूर, सोचो जरा तुम भी करो थोड़ा सा हो जाए इसके ये मम्मी में घर से, हजारों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में, पछताना नहीं फिर बाद में, फिर बात मेरी सुन के निकल रहे दूसरे कान से, Stay at home, save lives. Yes. आखिरी मैसेज बहुत अच्छा है, Stay at home, save lives. जी तो बहुत जरूरी है ये। हाँ यकीनन, हम सब ज्यादातर लोग जो है, मैंने देखा है, कल मैं थोड़ा सा बाहर ऐसे ही निकला था चक्कर लगाने के लिए, तो मैंने देखा कि रोड्स सारे खाली थे और सब लोग घर में है। नहीं तो मुझसे अली रजा जो मेरे दोस्त हैं पुलिस में, उन्होंने भी कहा कि देखें आप लोग, आई नो कि सब बड़े परेशान हो जाते हैं घर पे रह के इतने दिनों तक, मगर ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स का, पुलिस का और जितने भी जो एहलकार हैं जो इस हवाले से हमारी मदद कर रहे हैं इस कोरोना वायरस को खत्म करने में, उनका साथ देना बहुत जरूरी है। कल वो जैसे बता रहे थे कि कोई साहब निकले, उन्होंने कहा जी मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं जिना हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो मलीर से जिना हॉस्पिटल, कोई सेंस नहीं करता ये बात। तो आप लोग प्लीज इस चीज को सीरियसली समझें और अपने घरों में रहें, अगर नहीं रहेंगे घरों में तो बड़ा प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम से हम सबको प्रॉब्लम होगी, तो हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। प्लीज प्लीज ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है, सामाजिक फासला बिल्कुल, और अगर हम घरों में नहीं रहेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है और एक मामूल की ज़िंदगी में वापस आना है, तो उसके लिए एक ही ज़रिया है कि कुछ दिनों के लिए घरों में रहें, हम घर में रहेंगे तो कुछ काम बनेगा, वरना तो नहीं होने वाला। और जनाब हाय हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप लोग? सादी साहब और कौन है ये, इफ्ती आमन आसमा, आसमा बेग बेबी या बिक्सबी क्या है ये, ए किरण हेलो, राबिया सुरैया मेवेश, आप लोग सब लोग कैसे हैं? तो मैं आज हुआ ये कि हमारा पूरा रूटीन बड़ा आउट हो गया है, तो यूजली मैं सुबह जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, मगर अब बड़ा लेट उठ रहा हूँ आजकल। आज मेरी ज़िंदगी का शायद कोई रिकॉर्ड होगा कि मैं 3 बजे उठा हूँ, और 3 बजे उठना कोई कमाल की बात नहीं है। हमायूं का ना पूछिएगा वो कब उठे थे, वो भी कुछ इसके कुछ घंटों बाद उठे थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करना क्या है, तो इसीलिए अपने आप को हम इधर बैठे हुए हैं, और 2-3 दिन के अंदर हमारा रिज़ल्ट भी, हम दोबारा टेस्ट ज़रूर करवाएंगे और अल्लाह करे कि सब सही रहे और अपने अपने घरों को जाएं। जी आई नो इट्स अ बिग मेस इन न्यूयॉर्क, और हम जब जिस ज़माने में हम गए थे न्यू जर्सी में, तो उसी वक्त हमें सुन लिया था कि न्यूयॉर्क में ज़्यादा है, न्यू जर्सी में कम है, बट मोर और लेस मैं इनको ट्विन सिटी कहता हूँ, और बहुत बुरा है ये अच्छा नहीं है कि इतने पैमाने में लोग इसकी लपेट में आ रहे हैं, इस वायरस की लपेट में, और फिर प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अभी वो बता रहे थे कि किसी का इंतकाल हुआ, एंड
उनके बेटे भी साथ ही रह रहे थे उनके, और वो इस वक्त सेल्फ क्वारंटीन के अंदर हैं, तो वो नमाज जनाजा में भी नहीं आ सके। कुछ 6-7 लोगों ने उन साहब की नमाज जनाजा की, तो सैड बट इट्स द रियलिटी एज वेल। खैर, अहमद भट्ट आना चाह रहे हैं। अहमद भट्ट आप लाइव आ जाए, अभी देखते रहो, ये मैं तो मिस कर जाता हूँ, तुम देखते रहना। अहमद भट्ट ने उस दिन इतनी रिक्वेस्ट दी थी कि वो उसको उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया उस दिन, जो पहले दिन हम कर रहे थे। ताहा, आमना साथ, वो कोई पूछ रहा है हमारी डेली रूटीन क्या होती है, मैंने बता दिया। अल्लाह के फजल करम से सोते रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर खाते हैं, सो जाते हैं, फिल्म देख लेते हैं, सीरीज देख लेते हैं। मैं उजाक देख रहा हूँ, तुम भी उजाक? मैं भी देख रहा हूँ, मैं थर्ड सीजन देख रहा हूँ, ये पहला सीजन देख रहा हूँ मैं, और कमाल मजा आ रहा है मुझे। आई डोंट नो हाउ डिड आई मिस दिस। अरीबा नोमान प्लीज मुझे तो ले ले अंकल प्लीज। जी बेटा ले लेंगे आपको भी, मगर अभी हम किसी एक दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो तुम फिर, वो फिर नहीं आया, और फिर वो निकल जाएगा आगे, उससे पूछो किधर है। जी 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 अब्बा की जान, क्या हाल है जैद साहब? आप तो जैद आज जल्दी सोना है तुमने, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है? सदफ मलिक साहब लव यू हमारी, सदफ मलिक कह रही है, वो कह रहा है आई कांट सी हिज लाइफ, वो अपने ही फोन से गए हुए हो ना, तो और किसके फोन से गया? लाइव है, उसको तो लगता है बंद ही कर दिया अहमद भट्ट को। अहमद भट्ट किसी दूसरे फोन से कर ले यार, आप बेगम के फोन से आ जाओ। हाँ बगैर लिखे हुए बोल रहा हूँ, कैन यू हेल्प इन हाय एनी हॉन फौजिया, हेलो जैन, सोनिया, हसन चौधरी आना चाह रहा है, अतिया चौधरी है कोई, हसन चौधरी आएगा अभी, हसन अतिया चौधरी गया है। इसका है एच चौधरी के नाम से आएगा, एच चौधरी अभी भेजेगा, हसन जो है उसको भी मतलब बट के नाम से नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, बट तो बट का तो आ नहीं रहा ना अभी। हाँ। बट तो शायद अपनी दूसरी आईडी से करेगा, ये एच चौधरी के नाम से भी रिक्वेस्ट आएगी। जी आयजा विल कॉल यू टू व्हाट द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर समवन, तो जैसे होता है। हाय हुमायो, हुमायो सदफ, हुमायो की स्पेलिंग ये नहीं है। जी अनी खान, वकास, वकास सिद्दीकी, बींग अज्जू, खुरम, शहजाद खान, इरफान कैसर, सुमी कहाँ है भाई, मुझे दिखा दो क्या इसकी आईडी। एच चौधरी, तुम्हारी आईडी क्या होगी ये बता दो ना। आमिर हुसैन नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हसन जफर साहब आ गए? नहीं नहीं, एच चौधरी आईडी आएगी, एच चौधरी कुरैशी। अब्बा कैन यू कॉल आफ्टर अहमद अंकल? ओके बेटा, आई विल कॉल यू आफ्टर अहमद अंकल, और आई कैन कॉल यू राइट नाउ व्हाइल वी वेट फॉर अहमद अंकल। हमने खाना खा लिया था यार, कितनी दफा पूछोगे, हमने जल्दी खाना हमने। जैद कैन यू जस्ट सेंड मी हाय सो आई कैन एड यू राइट अगेन। छोटा हाँ नूर, साजिद,
थैंक यू, थैंक यू हो रही है। वो मिल्कशेक भेज रहे हैं? हाँ। आज हमने जल्दी खाना खा लिया है, तो मैं चाह रहा था कि हमायों को रूटीन पे लेकर आऊं, हमारे खानों की टाइमिंग ही आउट हो गई। हमारी आज की रूटीन क्या थी? हम सुबह को सोए हैं पता नहीं 8-9 बजे। नहीं प्लीज करेक्शन, 11 बजे। 11 बजे नहीं, मैं तो सो गया था बीच में, मैं फिर 11 बजे उठ गई थी, मेरी आंख खुल गई थी। हाँ तुम्हारा पता ही नहीं लगता कब सोते हो कब उठते हो। हाय हैंडसम, थैंक यू। मुझे बोला तुम्हें बोला? अब ये प्लीज बताए किसको कहा है आपने? अब्दुल्ला, कमल, जैद, कैन यू जस्ट से हाय टू मी ऑन दिस स्क्रीन तो ताकि मैं तुमसे बात कर लूं अभी। अच्छा तुम चौबीस किसका? मेरा लियो इनका। हाय हमायो, व्हाई यू सो हॉट? यहाँ गर्मी हो रही है, हमने एसी बंद किया हुआ है। सुना आपने? यार तुम एसी क्यों नहीं वैसे खोलते यार? खोल दो। हमायो, विच न्यू प्रोजेक्ट इज कमिंग? आप लंदन नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा आफ्टर कोरोना वायरस। अब तो शायद फिल्में जो हैं वो 4-5-6 महीने बाद रिलीज होंगी। बस अल्लाह करे ये हम इस मुसीबत से निकल जाएं जल्द से जल्द। मारिया एरिजोना, हाय हाउ आर यू? जैन कौन है? जैद से हाँ, बट वो आ नहीं रहा। सर यू आर इग्नोरिंग माय कमेंट्स। अनु मोहल, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, आपके कोई कमेंट्स भी नहीं इग्नोर किए। इतनी तेजी में सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं अब पीछे जाके वापस तो नहीं आ सकता। मैं तो अपने बेटे के लिए वापस पीछे नहीं जा रहा। वो कह रहा है मुझे बैन कर दिया है तुम्हारी, वो देख ही नहीं सक रहा। अहमद भट्ट कह रहे तो क्या करूं उसके लिए? कह रहा है तुम क्या अनबैन कर सकते हो मुझे? बिकॉज आई कांट सी हिज लाइव फीड। व्हाई कांट ही सी दिस? वो जो उसने उसने 3 रिक्वेस्ट ये क्या है? एसन भट्ट, ओके एसन भट्ट का आ रहा है वो तो देख। मैं कुछ करता हूं ना, मैं अभी कैसे करूं? मैं एक दूसरे फोन से मैं देखता हूं क्या अहमद क्या कि क्या है वो आईडी, अहमद की आईडी बताओ। चौधरी ने 3 दफा लिख दिया है, वो कह रहा है यार आए तुम देख नहीं रहे? चौधरी कहीं आए ही नहीं है यार, मैं तो इतनी देर से देख रहा हूं। नहीं अहमद की क्या आईडी है? अहमद की तो अहमद अहमद अली भट्ट फॉलोइंग। ये देखो मेरा मैसेज आ रहा है तुम्हें अहमद एच चौधरी। कैन यू सी माय मैसेज? या सो ही इज राइटिंग। कैसे हो सकता है कि नहीं आ रहा हूं? अगर आई कैन सी योर लाइव फीड, व्हाई? चौधरी एच चौधरी, नॉट पॉसिबल। कहाँ नजर मिल नहीं रहा। Yes. हसन मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम यार अगर ऐसा होता ना तो ये मैसेज भी नहीं आ रहे होते अहमद। सो आई थिंक देयर सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम देयर। Don't.
मैं भी शायद भी कर रही हैं लेकिन उनको भी पता नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही। ये क्या हसन डॉट जफर, हसन डॉट जफर आ रहा है। हसन तुम्हारा एच चौधरी नजर नहीं आ रहा कहीं भी, चौधरी बहन है लगता है यहाँ पे। कदमों को छू लूं अभी पता लग जाएगा यार भाई सर। इससे पता लग जाएगा कैसे बॉस। हेलो थैंक यू भाई। हाय सर, हाउ आर यू सर? ठीक है आई एम आप? गुड सर, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई बिल्कुल एम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो बिल्कुल, ये भी तो है ना ये हसन तो आ अंकल। गए, दूसरे हसन क्यों नहीं आ रहे? हसन चौधरी नहीं आ रहे, आपका क्या नाम है हसन साहब? हसान उस्मानी नाम है सर मेरा। हसाम हसान 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 जी, या कैसे हैं आप? ठीक है? आप दोनों कैसे हैं सर? मैं हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप हैं किधर? मैं सर कराची में हूँ, घर में हैं? घर में क्वारंटाइन ही हुए हैं हम भी। आए कम ऑन, कितने दानिश दिन से से? बात करेंगे सर। कितने दिन ऑलमोस्ट से? मेरी 22 से ही हम क्वारंटाइन हुए हैं। चले, इज 20 माय सेकंड से सर। आप घर। माशाल्लाह। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हेलो, नाउ हेलो, हाउ आर यू? आई एम क्या नाम है फाइन। ये आप दोनों के बहुत बड़े फैन हैं बेटा? और इन्होंने आपका पूरा ड्रामा जो है वो देखा है बहुत मेरे बड़े साथ नहीं है, बैठ के, बहुत फैमिली छोटे के हैं। साथ। ये बड़े नहीं है, बहुत छोटे हाँ हैं। ये अभी आप एज बताए, सिक्स इयर्स ओल्ड। तुम्हें गाना आता है हमारा इस ड्रामे वाले का, इस ये ड्रामे का गाना आता है आता है ना, तुमको? आता है आता है। गाना चलो सुना, गाना सुनाओ, चलो मेरे गाना पास सुनाओ। तुम नहीं, जोर से जोर से सुनाओ ना, लाउडली, कम ऑन कम ऑन कम मैं वहां जाने जा रहा मेरे पास हूँ। देखो तुम हो, मेरे पास तुम ये मैं हो, पॉप बना मेरे सकता हूँ। पास तुम हो। वेरी गुड। ये सब मेरे पूरा पास डांस तुम कर रहे थे हो। और सब कर रहे थे मेरे अच्छा पास। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेरे पास पॉप तुम बन हो, जाता मेरे पास तुम बेटा। हो, अगर ये मेरे पास नवीन तुम नशा आपने हो, सुन लिया तो मेरे आप भूल पास जाएंगे। तुम हो, मेरे पास तुम हो। ओके बस लिसन बस बस लिसन बस बस, बस। जी कितने सर। तोते हैं आपके घर में? तोते कितने हैं आपके घर में? नवीन दो नशा में दो 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 वो है? अरे वेरी गुड भाई, दो है। मुझे अंदाजा हो गया। ठीक है, एक एक तो अभी कौन सिक्स इयर्स कौन ओल्ड सा है, नाम? जस्ट 6 months, चले भाई, सॉरी। आप आपसे हम बात करेंगे ओके सर, कि हम और अपने क्या दोस्त से भी बात करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, खुदा हाफिज। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। अहमद, आप फातिमा खान के नाम से हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं फातिमा खान के नाम से आएगा। अब तुम हाई लिखो, रिक्वेस्ट भेजो। अहमद भट्ट से लाइव बात करने के लिए तरस गए हम, पहले और से अहमद भट्ट कोशिश से नहीं आई। बात हो रही, सबसे बात हो गई। मोहसिन साहब आ गए, फातिमा खान नहीं आ रही, किरण आ गई। फातिमा खान को मुझे फॉलो तो नहीं करना होगा? फॉलो करने को तो तुम्हें फॉलो सब थोड़ी करते हैं, जो फॉलो करने वाले थोड़ी होते हैं, कोई भी हो सकता है। क्या किसी से बात करने के लिए फॉलो करना उसको जरूरी होता है? नहीं, नो फातिमा खान का नहीं दो। तो फातिमा खान ही तो था। कहाँ है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि फातिमा के नाम से आईडी होगी, उसने भेजा फातिमा खान। फातिमा नहीं, मुझे खान? कुछ अच्छा, नहीं नजर आए तो मैं बता रहा हूँ, अगर नजर आए तो करना। मायरा मायरा कहाँ है? खान हार्ट बीट? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि वो नेसेसरी नहीं है कि कोई फॉलो करे या ना करे। So why can't I see Fatma Khan there then? शेवार, आपका क्या, आपको क्या कहते हैं, किस चीज आपको पे क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ईमान, राही, फातिमा, हाशिम, हाशिमी, फातिमा खान, ये तो नहीं है? नहीं, नहीं तो सर शाह। भाई तुम आ जाना लाइव, हम तुम्हारे उस पे आ जाएंगे। हाँ भाई कोशिश कर रहे हैं अहमद भट्ट को लेने के लिए, मगर अहमद भट्ट साहब का कुछ आईडी नहीं नजर आ रही इधर। सब नजर आ रहे हैं, आयशा, आशमी, फरियाद, दुआ, फातिमा आपको पिक लगी है साथ। उसे पूछो उसने किया है मैसेज फातिमा खान से। हाँ अभी फोन नहीं करे। सैफ अहमद साहब मैं इस वक्त लाइव हूं तो आप इधर आ जाए। यार दोबारा कर दे यार, इसमें क्या है? ये फातिमा / खान पीके अब ढूंढो फिर। तो मतदान की उस पर ही ला तो अहमद भट्ट लिखा हुआ। हाँ हाँ ये ना नहीं तो है मैं अहमद तो नहीं तो फातिमा / खान। यार एक दफा और कर दे यार प्लीज, एक दफा और करो अहमद, अब आ जाना चाहिए फौरन। इसका मतलब कोई फौरन नहीं आता, कोई डिले आता होगा। ये एच चौधरी आ गया, इसको तो दबा दो। किसको? ये रहा एच चौधरी। ये हाँ हम 5 मिनट ये हसन चौधरी से बात कर रहे हैं, उसको लिए फिर तुम आ जाओ 5 मिनट बाद। वो कह रहे हैं फातिमा खान के 4 मैसेजेस आए हैं ऊपर, लोगों को नजर आ रहा है, हमें पता नहीं क्यों नजर आ रहा। मैं क्यों नहीं आता? बंदे तो तेज कर रहे हो, पीछे निकला शायद ढूंढ लो खुद ही है। पर ये फातिमा 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 फातिमा, ये अहमद भट्ट की जो वाइफ है उनकी आईडी से कर रहे हैं, भाभी की आईडी से। सॉरी मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है। सुलेहा, काशिफ, सबरीना मिल जाएगा। फातिमा 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 फरिया, यार ये वापस फरिया क्यों आ जाता है? क्योंकि फरिया बार बार कर रही है, फातिमा बार बार नहीं कर रही। फातिमा 4 दफा के लोग कह रहे हैं ऊपर फातिमा / ये रहा जल्दी करो, ये रहा उठाओ। अहमद मैंने हमें तो नजर ही नहीं आता यार फातिमा खान कोई। यार देखें अल्लाह ने आप के मैंने पूरा ढूंढा तो नजर आया। मैं वही कहा, मैंने कहा अल्लाह ने आपको ग्लासेस भी दी हुई है मगर फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा। एक बंदा यू तो ये शो के लिए पहनी हुई थी बस। मैंने फातिमा को कहा, मैंने अभी फातिमा को कहा, मैंने कहा अपना फोन दो, मेरे फोन से वो लोग नजर नहीं आ रहे। तो कितनी देखो मेरे काम से कोई इस तरह की बात ना करना। मैं कब को सो क्यूट बेबी बेबी में बेबी गुड्डुआ अच्छा फौरन मर्द ना बनो, शर्माओ नहीं, तुम यही क्यूटू से हो, बेबी हो। ओह ये क्या समझ गए होंगे। मैंने आपको टिश्यू दिया है कि समझ जाएं। आप लाइव हैं, अभी लोग
पूरी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी लाइव जा रहे हैं और वो एक बंद कमरे में 15 दिन से क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे। आइए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं अदनान सिद्दीकी और एक अप एंड कमिंग सुपरस्टार हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, 15 दिन से आपने अपने आप को कमरे में बंद किया है, ये किसकी हरकत थी? ये वैसे ना स्टार्ट या आइडिया जो है वो अदनान साउथ की हरकत थी। असल में तो शुरू होता है इस पूरे क्वारंटीन का जो एटम है वो साउथ है, वो ना लेके जाते ना हम क्वारंटीन में आते। लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बीवियों से बचने के लिए ये खूबसूरत आइडिया आप लोगों ने कब सोचा? ये वापसी पे जब दुबई एयरपोर्ट हम पहुंचे ना, तो तब हमें एहसास हुआ कि हमें घर नहीं जाना चाहिए, और अगर हमें कोई वायरस लग गया है तो खुदा ना खास्ता बीवियों से बचने के लिए। भाई हम बीवियों को बचा रहे हैं, हम बीवियों को बचा रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं, बच नहीं रहे उनसे। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आप अपनी बीवियों को बचा रहे हैं। लेकिन बीवियों ने पहली बार जिंदगी में 25 साल में पहली बार 23 साल में उन्होंने बड़े सुकून से ये बोला, ओके ठीक है तुम कराची में ही होते हुए एक होटल में रह जाओ। घर है तुम, घर नहीं आना। अच्छा अब हम आना भी चाह रहे हैं ना, अपने टेस्ट करवा के आना। नहीं नहीं, मैंने 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 भी उस दिन मैंने और वासे ने भी अपनी बीवियों को कहा कि भाई देखो हम लोग 15 दिन उससे पहले सपोर्ट पड़ गया, पहले ही पड़ गया वो तो हम लोग आगे तक भी, हम लोग दरवाजे तक भी पहुंच नहीं सके, आप लोग तो होटल तक पहुंच गए। यार कितना मजा आता है, एक मेरा रूम होता है, एक अहमद का रूम होता है, एक ददनान का होता है, एक साथ सारे हम साथ, नदीम होता, वासे होता, फात मुस्तफा भी यहीं होता, गौर रशीद, सारे हम एक साथ रूम लेके फ्लोर पे डालते उसको, फ्लोर उसको दूसरा फ्लोर देना था, उसको सेम फ्लोर नहीं देना था। क्यों क्यों देखिए ना, जहां 5 बंदे इकट्ठे होंगे वो अपना गेम शो बेचने की कोशिश करेगा, तो जरूरत नहीं हमें उससे, इसलिए हम लोग उसको एक फ्लोर। भाई अब बेटा का है यार, बेटे से बात कराओ यार, मेरे बेटे से बात करना चाह रहा हूं। उसको बुलाओ ना यार, 1:15 हो रहा है, हर शरीफ बंदा भी सो रहा है, सिवाय ये 1800 लोग जो हैं, ये 1800 लोग जो हैं, आज हम सो के 6 बजे उठे हैं, तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे अभी पता नहीं 7-8-9 बजे हैं। अच्छा आप लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे? वहां मैं तो कर रहा हूं, हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। अच्छा पुशअप तो और क्या करें, यही ना, नीचे जिम बंद है यार, होटल के जिम रेस्टोरेंट सब बंद है। इवन ये मगर अब आपके कितने, आपके 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 3 दिन इंशाल्लाह 3 दिन बाद हम घर होंगे। अच्छा तो अगर उसके बाद भाभियों ने कहा कि हमने होटल में जाना है और आप लोग घर पे ले, फिर क्या करेंगे? शौक से जाए, बात नहीं, जा सकती हूँ, लेकिन उनको बस वो ठीक है, सब कुछ खैरियत से, तो फिर क्यों जाना है होटल में? नहीं मैं आप लोगों से बचने के लिए ना, आप देखें 15 दिन तो आपने अपनी कैदियां पूरी कर ली। मजेदार बातें करो ना, और मजेदार वाली हंसी भी आया हमें, ऐ भी तुम। ओह अच्छा अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक मरासी होता है, नहीं ये थोड़ा सा अफेंड हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे यहाँ हाउ डेयर यू टॉक अबाउट मरासीज दैट वे। एक तो आजकल ये भी नहीं समझ आती ना कि जो बंदा कौन सा बताए, क्योंकि हर बंदा टच ही हो रहा है आजकल, तो मैं फिर आपको बहुत है मरासी के बहुत होते हैं और हर तरह के जोक्स होते हैं, जोक तो जोक है, तुम बस सुना दो हम समझ जाएंगे। एक होता है अच्छा चले जी, है आपकी बात टूटी, क्या करें, तो नीचे आ रहा है झूठी ड्रामा बहुत अच्छा है। आहा थैंक यू आप उसमें बहुत झूठे हैं। मुझे असल में ना हुमायूं सईद ने एक दफा कहा था कि यार तुम सीरियस एक्टिंग बड़ी अच्छी करोगे, मैंने कहा थैंक यू, मैंने मजाक में कहा बट
What do you, how do you think? मैंने मजाक किया था, तो सीरियस ले गया. कैसा क्या मतलब कैसा लग रहा है हीरो बनकर? नहीं मैं हीरो नहीं हूँ उसमें. उसमें हीरो कोई है ही नहीं. आधे ड्रामे में मैं हूँ, आधे ड्रामे में यासिर है. उसमें हीरो जो है वो इकरा है असल में, क्योंकि सारा जो कैरेक्टर है वो उसमें इकरा का है. अच्छा नहीं नहीं मगर मैंने उसका जब टीजर देखा था तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये ड्रामा बहुत अच्छा होगा. एंड माशाल्लाह कमाल कर रहे हैं आप. माशाल्लाह बड़ा अच्छा. झूठ भी बोल लेते हैं मगर मैं जानने से झूठ नहीं बोल रहा. आपको पता है, आपको पता है कि अहमद वाकई अच्छा कर रहा था. अहमद तुम्हें पता है यार, मुझसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. नहीं नहीं जू का तू कह देता. और मैं हैरान हो गया. मैंने कहा, मैं तो सोचता था सिर्फ कॉमेडी अच्छी करते थे, तो मैं हैरान हूं सीरियस एक्टिंग कैसे अच्छी. यार मैं 6 साल आपके साथ काम किए है. 6 साल आपके साथ. किसका ड्रामा देख के तुम जो है वो प्रैक्टिस करते थे कि मुझे सीरियस एक्टिंग? ये मैं अभी ये बल्कि सारे लोग यहाँ गवाह, मैं सबके सामने कहना चाह रहा हूँ, मैंने नुमान एजाज के 2 ड्रामे देख के स्टडी किया था. टूटे नहीं देखे असल हकीकत. अच्छा बांसुरी भी है. बांसुरी ये भाई नहीं, 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 होती है भाई. देखे ये फुल टॉस थी. ज्यादा मशहूर कराने वाले आप हैं. तुम बाकी झूठे हो, सही ड्रामे में गए हो. अच्छा जी सुने, सिंपल सी बात है. मैंने दिल लगी 2 एपिसोड्स देखी थी और मैंने एक आपकी पंजाब नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसमें आपके साथ काम किया था तो मैं आपको स्टडी काफी कर चुका था. तो आपने एक दफा एक मुझे ऐवी मजाक में ही बात की थी, मगर वो मेरे यहाँ आ गई थी. तो आपने कहा था कि जोर ना लगाया करो, रोक लिया करो उसको. सो उसकी वजह से मैंने झूठी के अंदर ये बहुत अपने आप को सटल अंडर जितना अपने आप को मार सकता था. पोस्ट ग्रेजुएशन है कि अंडर ग्रेड है, ये क्या है? ये अंडर हुमायूं ग्रेड है. और ये बड़ा मैंने एक्चुअली मैंने हुमायूं को काफी स्टडी किया हुआ, बिकॉज आई हैव वर्क्ड विद हिम एंड आई नो कि ये किस तरह लाइन में पॉज लेते हैं एंड बगैर बताए हुए भी ये काफी चीजें आपको सिखाते हैं, विच इज वेरी गुड. सो उसकी वजह से मैंने झूठी के अंदर ना वो काफी चीजें इम्प्लाई की. स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन बनूंगा. लाइन ये है कि आपने कहना है तो तुम कल रात घर नहीं आए क्यों? ठीक है, और मैं हुमायूं सईद हूँ. आप लाइन कहेंगे तुम रात को घर नहीं आए. हाँ ये वो ठहराओ बहुत टाइम है. ये जब जे जे कॉल आती है, एपिसोड लंबी करो थोड़ी सी. अच्छा एपिसोड लंबी करनी होती है. अच्छा बस आप की बात है, आप लोगों ने इतने 14-15 दिन में क्या क्या देखा? पाकिस्तानी को ड्रामे देखे कि नहीं देखे या सिर्फ अंग्रेजी देखते रहे? यार हमने एक पाकिस्तानी ड्रामा देखा शेजोरी, पुराना, इसने दिखाया बहुत जबरदस्त पेश देखा हमने. शेजोरी देखा, अंकल उर्फी अब देखेंगे. हाँ उसका मैंने सुना है, वो मैंने देखना है. मैंने सुना उसका कुछ एंड सीरियसली वो हम देख रहे थे और कल कोई और भी देख रहे थे ना, सलाम कर रहे थे यार क्या क्या टाइमिंग है उस जमाने में, क्या रिहर्सल्स होती थी. और जैसे रुई बानो साहिबा ने, नीलोफर अलीम साहिबा ने, और जिस किस्म की एक्टिंग की है, कमाल कमाल एक्टिंग. आई थिंक वो वही उस टाइम पे मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत बात जो थी कि एक एक्टर एक रोल के साथ कमिटेड होता था और उसको पता होता था, क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं होता था, काम कम होता था और एक्टर्स अपने रोल को बड़ा कमिट करके करते थे. आप दोनों की तरह नहीं छाप रहे होते थे मगर अपने रोल को कमिट करते थे. नहीं नहीं जहां तक छापने की बात है, हम पैसे छाप रहे थे? नहीं नहीं वो तो पैसे इतने होते नहीं थे ना, वो अब ज्यादा पैसा है इसके अंदर काम में तो इसलिए छापते हैं. नहीं अच्छी बात है, छापने चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ छापते. अच्छा बांसुरी नीचे रखी है, गलत नीचे रखे, तुम इससे बात करो, फैमिली शो हो रहा है. तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे सर भी तोड़ सकता हूँ ना इसके अंदर तुम्हारा.
लव हेटेड जो ये रिलेशनशिप है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से? सिर्फ लव, मैं बताता हूँ ये शुरू कहाँ से हुआ। असल में ना इनका फेवरेट उस टाइम पे कोई और था जिसके साथ इन्होंने पहले बनाई थी मैं हूँ शायद अफ, उसके बाद इनका फेवरेट ना हुआ मैं और वासे, ठीक है ना। अब वो फेवरेट मैं और वासे के अंदर ना नदीम बिकेम मोर क्लोज टू वासे, और नदीम ने फिर इन्हें कहा और नदीम फिर नदीम और मेरा एक जोक चलता है कि नदीम मेरे जोक्स पे नहीं हंसता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, और ये तो प्रूवन फैक्ट है कि नदीम मेरे जोक्स पे नहीं हंसता। लेकिन वासे अगर कह भी देना यार वो कल ये वो नहीं, मैं नदीम कहता कल वो मैं लेट आऊंगा, ओ अच्छा मैं समझे शायद तुम जोक बता रहे। तो नदीम हंसता, तो एटलीस्ट हुमायूं ने कहा कि अच्छा यार चल मैं तेरे जोक्स पे हंसूंगा। So, वो दिन और आज का दिन हुमायूं इज वेरी कर्टियस कि जब मेरे बुरे जोक्स, ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ, इसके 10 में से 2 जोक्स अच्छे भी होते हैं ऐसा नहीं है, बाकी 8 पे मुझे ऐसे ही हंसना पड़ता है। मुझे नहीं समझ आ रहा ये मजाक हो रहा है ये सीरियस बात हो रही है, पहले ये मुझे पता लग जाए ये 10 में से 2 ये फेल होता है। नहीं नहीं मैं आपको मैं एक मिनट है मैं आपको बताता हूँ सबसे फनी वाकया जो हुमायूं भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया हुआ है वो था वो वाले वो मगर मैं बता नहीं सकता वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मगर सेकंड वाला जो था इंसिडेंट वो था जब मैं आप और हुमायूं हम लोग ऑस्लो में फंस गए थे बर्फ वाली रात, वो रात भी बड़ी मजेदार थी। बहुत मजेदार थी, बड़ी मजेदार ऑस्लो में फंस गए कमरे में, नीचे नहीं जा पा रहे थे ऊपर फिर जा रहे थे, फिर वो खाना लेट हुआ, फिर वो सारा कुछ जो शो हुआ तो बड़ा वो मजेदार था। मगर वो उस रात को जो अदनान भाई हाँ यासिर और अदनान ने बहुत अलग किया, बहुत मजा, वो अच्छा ही करते हैं हमेशा। नहीं यार आपसे सीखा मैंने, आपसे सीखा है दोनों ने, दोनों ने आपसे सीखा और आपसे अच्छा कर रहे हैं। वाह 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 वाह, आपको पता है, आपको पता है हुमायूं भाई ने, मैंने एक बार पूछा यार आपने हुमायूं भाई एक्टिंग किससे सीखी, तो इन्होंने कहा यार मैंने बाबर अली को देख के मैं हीरो बना। हाँ क्यों नहीं यार, कहता यार मुझे बड़ा अच्छा लगता था बाबर, अच्छे लोग हैं बाबर अली, नुमान एजाज, नोमी भाई तो आपसे जूनियर है ना, आप तो सीनियर थे। मैं कहा नोमी भाई आप वाहिद इंसान है जिसको अब्दुल्ला को देख के हीरो बना था मैं, अब्दुल्ला यार अब्दुल्ला भाई, हाँ अब्दुल्ला भाई मेरे ख्याल अभी तक मेरे बोलता था यार ये आ सकता है तो फिर मैं भी आ सकता हूँ। मैंने लक्स अपना भाई है, वो अपना भाई है, अपना भाई है वो। मैं अब्दुल्ला भाई से ना आज मेरा अब्दुल्ला भाई से बस मेरी सलाम तो हुई है, मैंने लक्स पे एक उनको जोक लगाया था, मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं थी मगर मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे एक उनको जोक लगाया था, वो आज तक मेरे ख्याल में उन्होंने माइंड नहीं किया, वो माइंड जब नहीं देखी होगी अब्दुल्ला भाई कहते हैं भाई मैं स्कूल टीम में होता था और अब्दुल्ला ट्रायल्स हो रहे थे स्कूल के, तो अब्दुल्ला भाई प्रिंसिपल थे, नहीं सिलेक्ट किया भाई अब्दुल्ला डीएसपी को लेकर आ गया, मैं खेलूंगा टीम स्कूल में। यार आप लोग ये आप लोग बहुत बुरी चीज कर रहे हैं, ये आप लोग बहुत बुरी चीज कर रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपको पता है, ये सारा कल ना कल न्यूज बनेगी कि आप हम कौन सी कोई बुरी बातें कर रहे हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं, पुराना वक्त याद कर रहे हैं। ये कि तुम सामने आते हो मैं ये भूल ही जाता हूँ लाइव है। हाँ एग्जैक्टली तो मैं नहीं आ रहा था इसलिए मैं नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे चले चले अब हम लोग क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है और अभी इंडस्ट्री का हमारा हाल जो है वो अल्लाह बेहतर करे ये कोरोना की वजह से जो होने वाला है हमारे साथ, लेकिन सब कुछ रुक गया है, सब कुछ रुक गया है, कॉन्टेंट बनना बंद हो गया है, ड्रामे बंद हो गए हैं, एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप्ड। सो मुझे और आप दोनों प्रोड्यूसर्स भी हैं, हेंस आप दोनों ने प्रोडक्शन भी की हुई है, तो एक एक सवाल आप दोनों से एज अ प्रोड्यूसर
किस एक्टर ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया बताओ भी। तंग किया मतलब डेटों की वजह से, टाइम की वजह से, नहीं टाइम पे नहीं आया, अच्छा यार तंग कर रहा है, सीन के साथ तंग कर रहा है। यार हैं दो तीन, यार नाम नहीं लेना चाहिए, छोड़ दे। नहीं नाम ना लें बस ठीक है, एज लॉन्ग एज अच्छा दो तीन आप नाम ना लें। तो मैं मैसेज कर, तो मैं मैसेज कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे मैसेज कर, मैसेज कर। नहीं एक्चुअली मुझे पता दो तीन लोगों का क्या इंटरेस्ट यार, तो हूं मैं की इतने मैं PG-13 ही मतलब सवाल करता पे, इतने लोग ही बैठे मैं की मतलब सवाल करा। अच्छा दसो हुमायूं साहब, हां जी दसो दसो तनु कने बोलो, जो रात को जो आलू गोश्त आपने खाया कैसा था ये तो पूछ लो। अब मोटे तू क्या कर रहा है, तू तो तू तुझे अच्छा क्या क्या आप क्या ये मुझे बताओ यार, ये तो हाथ तो हटाओ यार, यार ये ना हर रेस्टोरेंट में जाके ना खाना खाता है आजकल। मैं रोज सुबह उठता हूँ कोई 9, 9:30 बजे के करीब, क्योंकि अजान खैर से 7 बजे उठता है और मैं कोई 9:30-10 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। अच्छा फातिमा क्योंकि अभी वो रात को सारी अपनी वो दुआएं और वो तस्बीह वगैरह करती है तो वो सोती फजर के बाद, सो वो फिर सो रही होती है और मैं अजान जो है हम लोग कमरे से बाहर आ जाते। तो मैंने अभी कुछ 3 दिन हुए मैंने अपना बाहर पोर्च में जिम अपना छोटा सा बनाया, गाड़ी पीछे करके और मैंने जिम में पोर्च बना ली। तो मैं और अजान यार ये यार मुझे नीचे से यू कर रहा है। यार ये तो हमने 3 दिन एक्सरसाइज की है जो कि इतनी कोई कामयाब नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट, काफी फारिग एक्सरसाइज हुई मगर मैंने कहा फिर भी कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ फिल्म लिखने पे, वो जो आजकल नई एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, सो वो मेरा बड़े इंटरेस्टिंग थे वो। हाँ और मजेदार बात है हम दोनों हैं उसके अंदर, और इसने ज्यादातर सीन तुम्हारे सुनाए अभी तक, 6 सीन तुम्हारे सुनाए यार आप अभी ना मेरी अभी एंट्री हुई थी बस। हसन चौधरी भी कर रहा है मैसेज बार बार, वैसे क्या कह रहे हैं जान शान बनाना शुरू कर दूं दोबारा यार आ जाए। मैंने तो देखे, मैंने आप दोनों को देख के ही वो आइडिया आया मेरे माइंड में और इंशाल्लाह उसमें मैं और वासे भी होंगे। मुस्टंडे, उसका नाम है मुस्टंडे, मुस्टंडे मुस्टंडे के अबे ये मुस्टंडे कहाँ से आ गए तेरा मतलब, मुस्टंडे मुस्टंडे या मुस्टंडे 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 तो नहीं मुस्टंडे मुस्टंडे बदमाश जो होते हैं मतलब बदमाश मुस्टंडे। और इसका इसका भी वन लाइनर मैंने बड़ा अच्छा है तो वो उसमें मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है क्योंकि 4-5 घंटे मेरे उसमें गुजर जाते हैं। फिर शाम को ना मेरा सीन ही नहीं आया। नहीं यार कभी आ जाएगा 15 मिनट के बाद तो तुम पे रात हो। हमारा साथ साथ ही है। नहीं नहीं साथ साथ ही अगर मगर पहले 15 मिनट जरा अच्छे जरा उस तरह बनाने, मगर अभी मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ हाँ आप दोनों ही करेंगे और कौन करेगा, आप दोनों करेंगे और तो सुना रहा था मैं। भाई बेचनी भी तो है अभी ये जब है ना किसी और को बेचेगा ना तो वहाँ फहद मुस्तफा और कोई और हो जाएगा। वाह ये हो जाएगा, फिर इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, बस हम ही हम हो उसमें। नहीं नहीं देखें देखें मैंने असल में ना माशाल्लाह 3 फिल्में इनके साथ की ठीक है, उसके बाद मैंने एक और फिल्म की, फिर मैंने अपनी अब इंशाल्लाह फिल्म मतलब लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैंने सबसे बड़ा मुझे जो हेल्प की है वो आपके साथ जो राइट पे बैठे हुए हमारे सही साहब, उन्होंने बड़ा मुझे अच्छा गाइड किया। तो मैं बल्कि ये कहता भी हूँ कि द बेस्ट थिंग अबाउट, मैंने इसको 3 फिल्मों में लिया, इसने पहली फिल्म जो खुद बना रहा है उसमें मुझे नहीं ले रहा, ये होता है ये। अच्छा ये भी बता दे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि एक बंदा अपनी खुद 2 फिल्में कर रहा है और 1 साल के लिए बुक है, टाइम ही नहीं है तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी तो है ना। तो तुम ऑफर तो करते ना, मैं बोलता टाइम नहीं है, तुमने मौका मैंने ऑफर तो किया, मैंने कहा आए चाय पिए, आपने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैंने कहा अच्छा यार एनीवे यार मतलब मगर मगर दुआ करें एवरीथिंग गेट्स बेटर। तो मैं बताऊं ना बाकी तू खाने का कर क्या रहा है अहमद, तू तो यार ये तू जाके रेस्टोरेंट में, नहीं मैं बड़ा अच्छा मेरे एक्चुअली कोई ऑलमोस्ट 1.5 kg मैंने कम किया हुआ अभी, मगर तू ये रो रो के किया होगा, तू रोता होगा रात को। हाँ बड़ा मैं
रात को मैं एक्चुअली अभी ओजार्क देख रहा था, ओजार्क का सीजन 3 आ गया, वो देख रहा था। मैं तो बड़ा रात भर यही देखता रहता हूँ मैं। वो बहुत अच्छा है, मैंने अभी वो खत्म किया, सक्सेशन खत्म किया, सक्सेशन भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, वो देखा होगा। मगर आपने एक फिल्म देखनी है नेटफ्लिक्स पे आई, उसका नाम है द प्लेटफॉर्म। बड़ी नहीं डॉक्यूमेंट्री देखी, स्पेंसर भी अच्छी थी। स्पेंसर मैंने देखी, टाइगर किंग। हाँ मैंने सुना उसके बारे में, टाइगर किंग सुना है। मैं देखनी है वो उसकी बीवी के ऊपर है, वो जो उसने अपने टाइगर्स पाले हुए हैं सारा कुछ, उनमें से आधे टाइगर जो है वो पीटीआई में आ चुके हुए हैं अभी हेल्प करने। और वो पूरा फिर वो उनका फिर लॉ पास हो गया बिग कैट्स के हवाले से, एंड देन उनको फिर देना पड़ा जू को वापस वाइल्ड लाइफ में। सो यस, और कोई मजेदार बहुत मजेदार बात। अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि अब द मस्तम तो आपकी हो गई, अल्लाह की शुक्र है कंप्लीट। अब वो आपने हो गई है, अब ये है कि इंशाल्लाह थिंग्स गेट बेटर तो आपने उसको रिलीज करना है। बस यार अभी तो कुछ हालात नजर सबके नहीं आ रहे, पूरा पाकिस्तान के दुनिया के हालात अभी सारी रिलीजेस रुक गई है, तो अब देखते हैं क्या होता है यार, जैसे हालात होंगे मिल बैठ के डिसाइड करेंगे। आज नदीमे पे बात क्या करी, अभी तो नदीमे का अहमद अली बट, आई एम टेलिंग यू सिनेमा इज डाइंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो। अच्छा, और ये इतना नदीम अपनी बेल्कनी पे खड़ा हुआ था तो मैं और डर रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। मैंने कहा नदीम नहीं। और नदीम काफी डाउन हुआ, उसने मुझे बताया कि नहीं सिनेमा। इसी हवाले से तो मैं बात ये कर रहा था कि यार डाउन तो सभी हुए हैं यार, मगर दिस इज द टाइम कि हम सब अलग अलग होके साथ रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई का 100% एग्री। और जिस तरह वही बात है कि अच्छा मजे की बात है, ये हमारे दीन में बड़े पहले कह दिया गया था कि सफाई जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा हमारा बल्कि एक हिस्सा इसके ऊपर है पूरा कि कीप योरसेल्फ क्लीन और वुजू और वो सारा कुछ। हाँ एग्जैक्टली, सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हम लोगों ने इसको सेल्फ अवेयर, और जो लोगों को जिनको नहीं पता हम लोग उनको भी सेल्फ अवेयर कर रहे हैं कि जी ये जो बीमारी है ये। और आज आज बल्कि एक बड़ी अच्छी मजेदार में चीज पढ़ा था, मेरे फादर लॉ से बात होती, कहते हैं कि तुम लोगों ने वो टाइम नहीं देखा जो पार्टीशन का टाइम था, कि क्या क्या हम लोगों ने सेक्रीफाइसेस दी हुई हैं, किस तरह हम लोग सब चीजें छोड़ के पाकिस्तान आए थे, और तुम लोग तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि घर बैठ जाओ, तो हाउ कैन यू कंपेयर मतलब सेक्रीफाइस। वो कहते तुम लोग तो पता ही नहीं सेक्रीफाइस है क्या, तुम लोग तो कहा है कि 15 दिन टीवी लगा के एसी में, फ्रिज है तुम्हारे पास, इंटरनेट है, और आराम से चिल करके बैठे रहो। तो कहते बेटे जब तुम मैं अभी कहूं कि ये सब कुछ छोड़ के दूसरे वतन चले जाओ जहां तुम्हारा आगे पीछे कोई है नहीं। नहीं नहीं, तो यहां से निकलने के बाद मैंने और हमायों ने एक अभी कैंपेन शुरू करनी है, और वो बेचारे जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनके लिए कुछ करना है, बहुत जरूरी है यार, क्योंकि उनको घर में रखना बहुत जरूरी है। exactly. क्या करें? मैंने अभी हम साथ हैं। चार स्पेशली माया ने एक अपनी बहुत अच्छी स्टार्ट की कैंपेन, वहां भी मैंने दिए हैं, फिर मेरे एक और दोस्त है साद, वो भी ये दे रहे हैं, उनका भी मैंने शेयर किया है। फिर हमारे मोहल्ले में जो हमारे वर्कर्स थे जो कि डेली पे आते थे, तो फातिमा ने एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग 15 दिन से घर से बाहर नहीं निकले, तो उसने भी कहा कि यार कम से कम और कुछ नहीं, हम लोगों ने 20 थैले अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में दिए हैं उन लोगों को जो डेली वेजेस में थे। तो हमें पता था कि यार ये 20 फैमिलीज हैं जिनको हम जानते हैं जो डेली वेजेस में। तो इसी तरह आप अपने मोहल्ले के अंदर जो है ना लोग, और आपको वहां मतलब चीन जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की नहीं, आपसे देखे आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं जिनको आप मतलब सपोर्ट करते हैं। You're absolutely right, यही करना पड़ेगा, और हुक्म भी यही है कि आप अपने घर से मोहल्ले पे जाएं, पड़ोस पे जाएं, ये सब चीजें मालूम करें, बस इसका